ये वीडियो में मैं आपके सामने लाई हूँ चेतन भगत की सबसे लेटेस्ट बुक वन अरेंज्ड मर्डर का वीडियो रिव्यू। आइए जानते हैं क्या कहना है मुझे इस बुक के बारे में, कैसी लगी मुझे ये बुक, इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए और क्या रेटिंग होनी चाहिए इस बुक की मेरे अनुसार। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संकल्पिता और आप देख रहे हैं बुक गीक्स इंडिया, जो कि एक ऐसा चैनल है जहाँ मैं किताबों के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको किताबों का शौक है, आपको किताबें पढ़ना पसंद है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस को और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपके सामने लाई हूँ इस किताब की पुस्तक समीक्षा, इस किताब का बुक रिव्यू। तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए आपको इस किताब से? तो दोस्तों, आप जो भी लेवल के रीडर हैं, अगर आप बिगनर हैं या फिर रेगुलर हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप सेम एक्सपेक्टेशन रखिए इस किताब से भी जो आपने चेतन भगत की पिछली किताब से रखी थी, द गर्ल इन रूम 105। किन लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए? पाठकों की बात करें तो मेरे हिसाब से वो पाठक जो रेगुलर रीडर्स नहीं है, यानी कि वो लोग जो साल में 10 किताबों से कम पढ़ते हैं, ऐसे लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। अगर आपको चेतन भगत के लेवल वाली किताबें पसंद आती है तो ही आप इस किताब को पढ़िए। अगर आप लिटरेरी फिक्शन के शौकीन हैं या कोई और तरह की किताबें पसंद करते हैं तो मत पढ़िए ये किताब। कहानी की बात की जाए तो हम मिलते हैं केशव और सौरभ से, जो कि बहुत ही घने दोस्त हैं, फ्लैटमेट्स हैं और कलीग्स हैं और बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। वो चलाते हैं बिजनेस एजेंसी जो कि एक डिटेक्टिव एजेंसी है और वहाँ छोटा मोटा काम करते हैं। अगर आपको याद होगा तो केशव और सौरभ से हम इनकी पहली किताब में भी मुलाकात कर चुके हैं। जी हाँ, ये वही केशव सौरभ है जिनसे हमारी मुलाकात द गर्ल इन रूम 105 में हुई थी। हालांकि ये बहुत ही पक्के दोस्त हैं, पर आजकल इनकी बात नहीं हो रही है। इनमें थोड़ा झगड़ा चल रहा है और झगड़े का कारण है केशव का बड़बोलापन। सौरभ की सगाई पक्की हो चुकी है, उनका रिश्ता पक्का हो चुका है, ये एक अरेंज्ड मैरिज है। परंतु सौरभ और प्रेरणा जो उनकी मंगेतर है, उनमें काफी प्यार है। ये प्यार कुछ ऐसा है कि लव मैरिज वाले कपल भी शर्मा जाए। इस कारण केशव को थोड़ी परेशानी तो होती है, क्योंकि सौरभ उसके साथ अब इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, ना इतना टाइम दे पाता है उनके बिजनेस को, और थोड़ा बहुत वो जॉब में भी कमी छोड़ता है। तो यही कारण है कि केशव को इतना पसंद नहीं आ रहा है सौरभ का नया प्यार। परंतु इनके झगड़े का कारण ये नहीं है, झगड़े का कारण है केशव का बड़बोलापन। केशव जो है वो सौरभ की मंगेतर प्रेरणा का बहुत मजाक उड़ाते हैं, बेसिकली उनके मोटापे का मजाक उड़ाते हैं। ये सौरभ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन जब बात बढ़ गई तो उनका झगड़ा भी बढ़ गया और तब से वो आज तक बात नहीं कर रहे हैं। अब ये तो हुआ केशव और सौरभ का डायनेमिक। आइए बात करते हैं प्रेरणा और सौरभ की। प्रेरणा और सौरभ बहुत ही रोमांस वाले कपल है, बहुत ही लवी डवी कपल है। प्रेरणा जो है वो चाहती है कि सौरभ के लिए वो व्रत रखे, तो वो करवा चौथ आने पर सौरभ के लिए व्रत रखती है। पूरे दिन खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती और रात को पूरी सज धज कर सौरभ को ऊपर छत पर बुलाती है ताकि उनका उपवास जो है, उनका व्रत जो है वो तोड़ सके। पर जब सौरभ वहां पहुंचता है तो उसको मिलता है एक अरेंज्ड मर्डर। और ये कहानी है उसी अरेंज्ड मर्डर की, एक अरेंज्ड मैरिज जो नहीं हो पाई पर जो अरेंज्ड मर्डर बन गई। तो ये कहानी में आपको मिलेगा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा झगड़ा, दोस्ती, परिवार, ड्रामा और मर्डर, एक अरेंज्ड मर्डर। आइए बात करते हैं किताब के लेखन शैली की, किताब के राइटिंग स्टाइल की। ये किताब जो है वो एक बेहतरीन मसाला ड्रामा जैसी है। लोग गलत नहीं कहते जब वो कहते हैं कि चेतन भगत बॉलीवुड ड्रामास लिखते हैं या फिर बॉलीवुड मसालास लिखते हैं। ये किताब भी कुछ ऐसी ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस किताब में आपको सब चीज़ें मिलेंगी। आपको प्यार मिलेगा, आपको इश्क मिलेगा, आपको दोस्ती मिलेगी, नफरत मिलेगी, आपको कॉमेडी मिलेगी, आपको ड्रामा मिलेगा, मर्डर मिस्ट्री तो मिलेगी ही, ज़रूर मिलेगी। और उसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलेंगी जिसको आप बोल सकते हैं मसाला ड्रामा। ये कहानी बिग फैट इंडियन फैमिली की है, जो बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर से सबको लगता है कि इनके पास सब कुछ है, इनके पास पैसा है, इनके पास खुशी है, शांति है, आपस में प्यार है। पर जैसे कि इंडियन सीरियल्स में होता है, टेली ड्रामास में भी होता है, आप अंदर जाते हैं तो आपको दिखता है कि काफ़ी सारे रहस्य हैं परिवार वालों में, लोगों में घृणाएं हैं, ईर्ष्या है, जेलसी है, और कहीं ना कहीं हर सदस्य के पास एक अपना सीक्रेट है, एक अपना रहस्य है।
है जिसे वो किसी भी हालत में छुपा कर रखना चाहते हैं। अब क्योंकि करवा चौथ के दिन ये हत्या होती है तो इस मर्डर को नाम दिया जाता है द करवा चौथ मर्डर, जो अपने आप में भी एक काफी ड्रामेटिक नाम है। तो हर एंगल से देखा जाए तो इसमें मसाला, ड्रामा और रोमांच सब कुछ है। दूसरी चीज जो मैं आपको इसकी लेखन शैली के बारे में बोलना चाहूंगी वो है इस किताब का पेस। अब पेस की बात करें तो ये किताब बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। साधारण तौर पर अगर मैं किसी किताब को पढ़ती हूँ तो कम से कम 25 से 30% लग जाता है उस किताब में अंदर घुसने के लिए, उस किताब को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए और उस मिस्ट्री में घुसने के लिए। पर अगर बात करें हम चेतन भगत के नॉवल की, मुझे अच्छी तरह याद है 25 पेज हुए थे और मैं इस किताब में अंदर घुस चुकी थी, कहानी में अंदर घुस चुकी थी। तो आपको कहीं भी इस किताब में एक डल मोमेंट जो है वो नहीं लगता। लेखन शैली के बारे में तीसरा पॉइंट है, इस किताब में कुछ अलग फॉर्मेट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आमतौर पर एक नरेटर होता है जो आपको स्टोरी बताता है, इस कहानी का नरेटर जो है वो केशव है, केशव आपको अपने शब्दों में कहानी बताता है। परंतु चेतन भगत जो है वो कुछ अलग फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशंस होती है तो जो पुलिस इंटरव्यू करती है जांच पड़ताल के दौरान परिवार वालों का और लोगों का, वो इंटरव्यू ऐसे के तैसे ही छाप दिए गए हैं। तो ये जो फॉर्मेट में बदलाव है, कभी नैरेटर हमें बताता है, कभी हमें पुलिस फाइल से जानकारी मिलती है, ये मुझे काफी पसंद आए। चौथी चीज जो मैं आपको राइटिंग स्टाइल के बारे में बताऊंगी वो ये है कि हालांकि ये किताब जो है वो एक मर्डर मिस्ट्री है, एक रोमांच है, पर इसमें कहीं भी आपको एक सीरियस टोन नहीं लगता। पूरी किताब जो है काफ़ी हल्के फुल्के ढंग से लिखी गई है, कॉमेडी भरपूर है इस किताब में आपको। हाँ शायद आपको लाफ आउट लाउड मोमेंट्स नहीं मिलेंगे, खुलके हंसने वाले पल ज़्यादा नहीं मिलेंगे, परंतु आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि पूरी किताब जो है काफ़ी हल्के फुल्के तरीके से लिखी गई है। कॉमेडी और रहस्य रोमांच का जो तालमेल है वो हमेशा बना रहता है। तो इन दी एंड ये काफ़ी लाइट हार्टेड रीड है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना मत भूलिए और नीचे कमेंट जरूर करिए कैसे लग रही है आपको यह वीडियो। आइए बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे पसंद आई। सबसे पहली चीज़ ये है कि हालांकि केशव जो है वो इस किताब के नैरेटर हैं, वो कहानी बोलते हैं, परंतु काफ़ी बार ऐसा होता है कि अलग अलग पात्र आके अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं और इसमें थोड़ी दिलचस्पी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दूसरे पात्रों का पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है, उनके क्या मोटिव्स हैं, क्या रहस्य हैं, वो सभी जानने को आपको मिलते हैं। दूसरी चीज मैं बोलनी चाहूंगी इस स्विच के बारे में वो है, ये पहला जो चैप्टर है वो केशव बोलते हैं और केशव आपको सौरभ का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं, ऐसा कि आपको लगता है कि सौरभ ऐसा है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। परंतु दूसरे चैप्टर में सौरभ आते हैं और वो आपको ये बोलते हैं कि केशव ने आपको मेरे बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई होंगी और मैं श्योर हूँ कि आपने ये चीज़ों पर विश्वास भी किया होगा, परंतु वो सच नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि नैरेटर का जो पावर है, जो ग्रिप है रीडर पे, वो कितना स्ट्रांग होता है। एक ही चैप्टर में केशव ने आपको बता दिया कि सौरभ कैसा है, परंतु दूसरे चैप्टर में जहाँ पे सौरभ खुद नैरेट करते हैं वहाँ आपको सौरभ ने बताया कि कैसे केशव आपको ब्रेन वॉश करते हैं। इस टेक्निक को इंग्लिश में कहते हैं अनरिलायबल नैरेटर, यानी कि रीडर जो है वो नैरेटर पे विश्वास नहीं कर पाता, रीडर जो है हमेशा सोचता रहता है कि नैरेटर सच बोल रहा है कि झूठ। तो ये जो दो चैप्टर्स ने जो खेल खेला है अनरिलायबल नैरेटर का, वो मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि बाद में इसका जो पेस है वो काफी कम हो गया है और इस चीज को और यूज नहीं किया गया है, परंतु स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स में इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। तीसरी चीज़ जो मुझे इस किताब में पसंद आई वो है सामाजिक टिप्पणी। काफ़ी सारी सोशल कॉमेंट्रीज हैं इसमें, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, जैसे कि दहेज। अब बहुत सारी फैमिलीज होती हैं बोलती हैं हमें दहेज पसंद नहीं, हमें दहेज अच्छा नहीं लगता, पर वही फैमिलीज अगर आप देखें तो दहेज को एक्सेप्ट भी करती हैं, कभी कभी डिमांड भी करती हैं। वर्ड बदल जाते हैं पर नीयत नहीं बदलती। लोग बोलते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, पर वही लोग आके बोलते हैं ये दहेज नहीं है, ये तो बेटी के प्रति प्यार है। तो ये कैसा प्यार है, ये चीज़ चेतन ने बहुत बखूबी से दिखाई है। दूसरी चीज़ है द बिग इंडियन फैट वेडिंग। हम जानते हैं अच्छे से इंडियंस इतना ज़्यादा बर्बादी करते हैं शादियों पर। ये शो ऑफ अक्सर हम तब भी करते हैं जब हम खुद घाटे में रहते हैं या हमारे पास खुद इतने पैसे नहीं होते, कुछ यही चीज़ हमें इस किताब में भी देखने को मिलती है। तो ये जो टिप्पणी है बेबुनियादी शो ऑफ पर, ये भी चेतन भगत ने बखूबी से दिखाई है। चौथी चीज़ जो मुझे पसंद आई वो कहानी से इतनी रिलेटेड नहीं है पर मुझे फिर भी काफ़ी इम्प्रेस किया इसने, चेतन भगत ने अपने क्रिटिक्स के बारे में एक सरकाज्म किया है, सरकाज्म यानी कि कटाक्ष किया है।
कटाक्ष ऐसा है और इस सीन में होता है। एक सीन में दिखाते हैं कि सौरभ जो है बटर चिकन बना रहा होता है। बटर चिकन बनाने के टाइम वो तेल में प्याज डालता है। अब गरम तेल में प्याज जब पड़ता है तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, चटपट आवाज आती है, धीरे धीरे प्याज भूनता है। अब चेतन भगत इसमें ही थोड़ा सा छोटा सा कटाक्ष डालते हैं और बोलते हैं कि ये किताब अगर मैं एक लिटरेरी फिक्शन जैसा लिख रहा होता तो मैं इसमें एक दो या चार पैराग्राफ और डालता जिसमें मैं तेल के बारे में बताता और उसकी सुगंध के बारे में बताता, और यही किताब जो है ब्रिटेन में बैठ के अंग्रेज लोग पढ़ते और उस पर टिप्पणियां करते और बोलते भारतीय लोग कितने एग्जॉटिक हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी है, पर मुझे काफी स्ट्राइक आउट करी ये चीज़। तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जो मुझे पसंद आई। आइए बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो मुझे पसंद नहीं आई। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फैट शेमिंग। इस किताब में जितनी भी कॉमेडी है, जितना भी हास्य है, वो सारा का सारा जो है फैट शेमिंग के ऊपर है। अब फैट शेमिंग किसे कहते हैं? अगर आप किसी के मोटापे का, उसके खाने पीने की आदतों का या फिर वजन का मजाक उड़ाते हैं उसको बोलते हैं फैट शेमिंग। अगर इस तरह की कॉमेडी थोड़ी बहुत होती तो अलग बात थी। मैं मानती हूँ इसकी वजह से एक मनोरंजन एंगल आता है इस किताब में, परंतु ये इतनी ज़्यादा थी कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये इतना कूल नहीं है। थोड़ी बहुत कॉमेडी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब इसको आप इतना ज़्यादा भर देते हैं कि हर चैप्टर में सौरभ का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि वो बहुत खाता है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, वो इतने किलो का है। ये हर चैप्टर में दोहराया गया है और बार बार दोहराया गया है। प्रेरणा का जो किरदार है उसका बहुत ही छोटा सा रोल है किताब में, परंतु प्रेरणा जो है वो खुद में एक बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। उसका दिमाग बहुत तेज़ है, वो बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट है। अपना बिजनेस उसने खुद चलाया, खुद बनाया और उसको सक्सेसफुल किया। अब ये सारी क्वालिटीज़ को एक तरफ छोड़ के केशव जो है प्रेरणा के वजन के ऊपर टिप्पणी पे टिप्पणी, टिप्पणी पे टिप्पणी करता रहता है। देखिए हर रीडर के जो एक्सपीरियंस है वो अलग होते हैं, क्योंकि इस चीज़ से मैं खुद बहुत गुजरती हूँ, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा से बहुत सहानुभूति हुई। और मैं मानती हूँ कि अगर हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करेंगे तो सोसाइटी जो है वो कभी इससे ऊपर नहीं आएगी। दूसरी चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो है भाषा। भाषा के बारे में बात करूं तो मैं समझती हूँ कि चेतन भगत जो है वो कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसी भाषा को अपनाते हैं जो कि उनको पता है कि सही नहीं है, फिर भी वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ऐसी भाषा है जो नॉर्मल लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। मैं जानती हूँ कि काफ़ी लोग को ये इतना मालूम भी नहीं पड़ेगी, पर क्योंकि मैं काफ़ी किताबें पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भाषा का ज्ञान है, तो मुझे एक चीज़ें काफ़ी खलती हैं। तो ये चीज़ मुझे पर्सनल तौर पर पसंद नहीं आई कि भाषा जो है उसमें काफ़ी त्रुटियाँ थी, व्याकरण में काफ़ी त्रुटियाँ थी। इवन पंक्चुएशंस की बात की जाए, कॉमा की बात की जाए, तो उधर काफ़ी चीज़ें गलत थी। अगर हम रहस्य की बात करें तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। अब रहस्य किस स्तर का है, कितना डीप है, कितना ज़्यादा उसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट है। हर कुछ चैप्टर्स के बाद एक नया पड़ाव आता है, कुछ नई उलझने आती हैं, कुछ नए किरदार सामने आते हैं जो सस्पेक्ट हो सकते हैं, तो रीडर्स को काफ़ी उलझाते तो ज़रूर हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि हर मिस्ट्री में ये चीज़ होनी चाहिए, हर पहलू पर एक नई चीज़ आनी चाहिए सामने जो रीडर्स को पकड़ कर रखे। दूसरा चीज़ है इस किताब का पेस। पेस भी काफ़ी अच्छा है, मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी फास्ट मूविंग पेस है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता रहता है। सौरभ और केशव जो है वो नए पहलू को पकड़ते रहते हैं, कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं, तो काफी एडवेंचरस भी रहता है। अब कैरेक्टर्स भी क्योंकि बहुत सारे हैं तो हर कैरेक्टर के पास एक अपना मोटिव है, एक अपना रहस्य है, और कहीं ना कहीं हम सबको एक टाइम पे लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर ने ये किया है या ये कैरेक्टर में गड़बड़ है। रहस्य इस किताब में कुछ ऐसा है कि आपको बहुत डर नहीं लगता। इस किताब को जैसे मैंने बोला एक बहुत हल्के फुल्के तरीके से लिखा गया है, कॉमेडी एक बहुत मेजर पार्ट है नरेशन का, तो आपको वो डर वाला जो एहसास है वो नहीं आता। अगर वो आपको डर चाहिए तो वो इस किताब में आपको नहीं मिलेगा। इस किताब में ऐसा एक भी पैराग्राफ नहीं है, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है, एक भी किरदार नहीं है जहां पर आपको डर महसूस हो। प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं, काफ़ी छोटे छोटे संकेत आपको ज़रूर मिलते हैं कि हाँ शायद इधर ये होने वाला है या ये चीज़ जो है वो इसका मतलब ये है। लास्ट के 50 पेजेस में एक आभास हो जाता है कि शायद ये है या इसने किया है मर्डर, पर आपको कैसे किया है और क्यों किया है वो रहस्य आपको बाद में ही मिलते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। ये मिस्ट्री में पकड़ होनी चाहिए जो इस किताब में भी है।
मनोरंजन की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मनोरंजन की कोई कमी नहीं है इस किताब में। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता रहेगा जो आपकी किताब में दिलचस्पी बनाए रखेगा। काफी इजी फ्लो है इस किताब का, पढ़ने में काफी इजी है ये किताब, बहुत समय नहीं लगता है इसको पढ़ने में, और मुझे भी ये किताब पढ़ने में एक दिन का समय लगा। तो वो सब चीज़ों को देखा जाए तो ये हाँ एंटरटेनमेंट की दृष्टि से एक मनोरंजक किताब है। दोस्तों फाइनल रेटिंग के बारे में आते हैं तो मैं इस किताब को 3.5 स्टार्स दूंगी। आपको रीजंस मैंने बता दिए, क्यों मैंने इसको ऐसी रेटिंग दी वो भी बता दिया। काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो चेतन भगत की रेगुलर नॉवेल्स जैसी रहती हैं, तो मुझे वो चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती, स्पेशली ग्रामर। इस किताब को आप पढ़िए अगर आप चेतन भगत के फ़ैन हैं, आप उनकी किताबों के फ़ैन हैं, उनकी राइटिंग के फ़ैन हैं। दूसरा, अगर आप बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ते, अगर आप एक रेगुलर रीडर नहीं हैं, रेगुलर रीडर से मेरा मतलब है उन लोगों से जो 10 किताबों से कम पढ़ते हैं एक साल में। तीसरा, अगर आप बहुत सारी मिस्ट्री और थ्रिलर बुक्स नहीं पढ़ते, अगर आप इस किताब को एक मिस्ट्री और थ्रिलर के लिए ही उठा रहे हैं और पहले आपने काफ़ी सारी मिस्ट्रीज पढ़ी हैं तो शायद ये किताब आपको इतनी पसंद नहीं आए। चौथा, अगर आप बिगनर लेवल रीडर हैं, अगर आप अंग्रेजी की किताबें पढ़ना सिर्फ स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप इस किताब को उठा सकते हैं। पांचवा, अगर आपको एक ईजी किताब की तलाश है, ऐसी किताब जो बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं जिसमें अंग्रेजी इतनी कठिन नहीं है। और छठा रीज़न वो है, अगर आपको बॉलीवुड ड्रामास पसंद है या फिर टेलीविजन ड्रामास पसंद है जहाँ बहुत सारा ड्रामा होता है, थोड़ा बहुत रोमांस होता है, रहस्य और फैमिली ड्रामा होता है, फ्रेंडशिप्स होती है, फाइट्स होती हैं, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें एक पैकेज डील में चाहिए तो ये किताब को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। दूंगी आपको ये किताब नहीं पढ़ने का। पहला, अगर आपको ऑलरेडी चेतन भगत की किताबें नहीं पसंद है, अगर चेतन भगत की पुरानी किताबें और लास्ट किताब आपको पसंद नहीं आई थी तो इससे भी दूर रहे। दूसरा, अगर आप मिस्ट्रीज और थ्रिलर्स के रेगुलर रीडर हैं, अगर आप बहुत किताबें पढ़ते हैं मिस्ट्री और थ्रिलर कैटेगरी की, तो ये किताब में भी कुछ नया नहीं है। तीसरा, अगर आप बहुत सारी अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी पुस्तक समीक्षा, ये था बुक रिव्यू चेतन भगत की लेटेस्ट बुक वन अरेंज्ड मर्डर का। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कॉमेंट्स में जाके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आपको कैसी लगी ये किताब। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी वीडियोज और बनाऊँ, हिंदी में बुक रिव्यू वीडियोज बनाओ या कोई भी और वीडियो बनाओ, तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए कौन कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं ये चैनल पर। और आज के वीडियो में इतना ही, आपसे जल्दी मिलूंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।